कर दिया और यहाँ पे मैंने अपनी बाजू टिका दी। तो देख सकते हो हम, ये भी विंडो लॉक होगी, ये भी नहीं खुल रही है, पूरा नीचे तक नहीं जाता, ये इतना ऊपर रहता है। देख सकते हो ये है रिक्वेस्ट सेंसर, ये है बूट स्पेस, इसके जो म्यूजिक सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है, एडजस्ट कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, और लीटर की बोतल आप इसमें इजिली रख सकते हो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी देख रहे हो 10 लाख के बजट में एक अच्छी खासी गाड़ी, तो i20 आपके लिए क्यों खास है, और जिस वेरिएंट में अभी हम बैठे हैं ये है जी i20 का एस्टा वेरिएंट, जो कि 2024 वेरिएंट है, और इस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, जो कि कुछ आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या काम के फीचर हैं, सारे फीचर वन बाई वन हम बात करेंगे इन फीचर्स को लेके। तो स्टार्ट करते हैं इसके डैशबोर्ड को लेके। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको ये डैशबोर्ड मिलता है इसका, और फ्रंट कॉकपिट की बात करें जहाँ पे आप बैठ के ड्राइव करोगे, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसकी लुक आती है। इसमें आपको मिलता है जी 8 इंच का आपको मिलता है वायरलेस ऑटो एंड्रॉयड प्लेयर, और नीचे देखोगे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है एसी, और एसी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अभी ये ब्रांड न्यू कार है, उसकी परफॉर्मेंस अभी बहुत बढ़िया है, आगे चल के कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस वो आपको लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू में हम शेयर करेंगे। ये सकते हो अभी एसी का फ्लो आप चेक कर सकते हो, नॉइस आपको आ रही होगी एसी की, और मैं आपको ये माइक लगा के भी चेक करवा देता हूँ कि कैसी इसका ये एसी का फ्लो रहने वाला है। अभी एसी को हम कर देते हैं बंद, तो कार के अंदर आप बैठे बैठे चेक कर सकते हो कि आपको बिल्कुल भी इंजन की नॉइस नहीं आ रही होगी। इंजन हमारा अभी ऑन है, तो कितनी नॉइस आप थोड़ा गैस लगा सकते हो, कितनी नॉइस आपको कार में फील होगी, और अगर आप हाईवे पे ड्राइव करते हो तो आपको बिल्कुल भी ये कार चलाते हुए पता नहीं लगता कि गाड़ी ऑन है या नहीं। और इसके साथ साथ इस फीचर में आपको मिलते हैं कुछ एडिशनल फीचर, जैसे कि यहाँ पे मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप, और यहाँ पे है ये हेडलाइट लेवलर जहाँ पे आप अपनी हेडलाइट्स को एडजस्ट कर सकते हो। और इस लेवल को क्यों दिया जाता है कार्स में, इसके ऊपर भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। सो उस वीडियो को देखने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगर आपने ये प्लेयर के डिटेल फीचर जानने हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगी आई बटन में, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, इसके फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं। और ये है इसका MID जहाँ पे आपको मिलते हैं सारे फीचर, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो टायर मॉनिटरिंग प्रेशर, ये सारा TPMS वगैरह आपको मिल जाता है, और यहाँ पे सारे फीचर्स मिलेंगे, और जिसके डिटेल फीचर की वीडियो मैं आपको बना के दे चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो आई बटन में, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी, सारी MID के ऊपर मैंने वीडियो डिटेल बना चुका हूँ। तो इसके अलावा जो इसमें आपको फीचर मिलते हैं वो है जी, आपको डोर्स में सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, ये आपको देख सकते हो कुछ इस तरह से बटन मिलते हैं जहाँ से आप इसको लेफ्ट राइट करोगे, तो अभी हमने राइट किया, तो यहाँ से आप ये मिरर को एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो, ये लेफ़्ट राइट अप डाउन मिरर यहीं से कर सकते हो आप, तो ये देख सकते हो, और इसको अगर आप करोगे राइट में, और यहाँ से आप उस साइड का मिरर है वो एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे अगर इस बटन को दबा दोगे तो आपके मिरर हैं वो फोल्ड हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ये है जी विंडो के स्विच, और विंडो के स्विच में आपको मिलता है जी एस्टा वेरिएंट में ही मिलता है, बाकी इसके जो निचले ट्रिम्स आते हैं उसमें आपको मिलता है सिर्फ ऑटो डाउन, बट इसमें आपको ये देख सकते हो ऑटो डाउन के साथ साथ ऑटो ऑफ, वन टच ऑटो ऑफ मिलता है, और इसके साथ साथ इसमें मिलता है आपको एंटी पिंच। एंटी पिंच क्या होता है वो भी आपको बता दूं, मान लीजिए हमने खोल दिया पर बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपनी बाजू टिका दी, तो देख सकते हो ग्लास नीचे ऑटोमेटिकली चला गया। एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ, मैंने ग्लास को नीचे कर दिया और ऊपर करूँगा, मैंने अपनी बाजू टिका दिया, यहाँ पे देखिए अपने आप से ग्लास नीचे चला गया। तो ये होता है एंटी पिंच कार्ड। एंटी पिंच कैसे काम करता है वो आपको दिखा दी, ये को पैसेंजर और ये रियर पैसेंजर्स के लिए, और यहाँ पे होता है जी विंडो के लॉक अनलॉक का स्विच। तो ये स्विच का क्या है होता है फ़ायदा कि अगर यहाँ पे आप इसको लॉक कर दोगे तो जो विंडोज़ हैं वो ओपन नहीं कर सकता, सिर्फ ड्राइवर इसको ऑपरेट कर सकता है। बट इसमें एक अलग से कुछ फीचर का किया है वो आपको बताता हूँ, हमने अभी इसको बंद ऑन किया हुआ है, तो यहाँ से तो ड्राइवर तो खोल ही सकता है, वो पैसेंजर भी खोल सकता है। और ये आपको पीछे की विंडो भी दिखा दूँ, पीछे की विंडो भी आप देखोगे तो खुल रही है, और इसको अगर हम कर देते हैं जी लॉक, बंद कर देते हैं, देख सकते हो हम, ये भी विंडो लॉक होगी, ये भी नहीं खुल रही है, बट जैसे ही लॉक किया हुआ है तो जो फ्रंट विंडो है वो लॉक नहीं होती है, वो ऑपरेट कर सकता है। अगर यहाँ पे आपने विंडो को बंद किया हुआ है तो सिर्फ जो रियर विंडोज़ है वो रियर पैसेंजर विंडोज़ को नहीं खोल सकते, बट को पैसेंजर विंडोज़ को खोल सकता है, ड्राइवर सारी विंडोज़ को ऑपरेट कर सकता है। और सेकेंडली इसमें और जो एक मेरे को ड्रॉबैक लगा वो ये है जी, इसकी जो विंडो डाउन जाती है, इसकी विंडो को हम डाउन करते हैं तो रियर विंडो जो डाउन जाती है तो उसका जो ग्लास है जी पूरा नीचे तक नहीं जाता, ये इतना ऊपर रहता है। बाकी अगर बात कर लें इसकी फ्रंट विंडोज़ की,
तो फ्रंट विंडोज इसकी पूरी नीचे तक जाती हैं, ये आप चेक कर सकते हो। ये हिंडई ने ऐसा ये मतलब पूरी विंडो नीचे तक क्यों नहीं जाती, आई डोंट नो। अगर आपको इसके बारे में पता है कमेंट डाउन कर सकते हो, और अगर आपने ये नोट किया ये वाला ड्रॉबैक तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और आपको ये फीचर अच्छा लगा या नहीं लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और ये एंटी पिंच कार्ड आपको मिलता है सनरूफ में भी, सेम ऐसे ही एंटी पिंच कार्ड मिलता है। तो जैसे ही आप देखिए सनरूफ को खोलते हो, ये हमने सनरूफ को खोल दिया है, और जैसे हम सनरूफ बंद करते हैं यहाँ पे हमारा हाथ आ गया, तो ये देखिए पीछे चली गया। तो सेम आपको ये एंटी पिंच कार्ड मिलता है सनरूफ में, और सेम मिलता है आपको ड्राइवर साइड में। तो यहाँ से आप एंटी पिंच कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे व्यूवर्स का मैसेज आ रहा था कि जो सनरूफ है पीछे से कैसे खोल ली जाए, तो आपको बता दूँ ये जो बटन है इसको, लाइट्स को हम बंद कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ से अगर आप इसको करोगे पीछे को, ये देखिए करोगे तो ये सनरूफ आपकी ओपन होनी स्टार्ट हो गया। और इसको अगर बंद करना है आपने तो जस्ट ऐसे करोगे, सनरूफ आपकी बंद होनी स्टार्ट हो गया। और अगर आपने इसको पीछे से उठाना है तो आपको ये बटन है इसको ऊपर को प्रेस करना होगा, तो ऊपर को प्रेस करेंगे जैसे ही, तो वो देखिए हमारी पीछे से सनरूफ उठ गई है। और इसको अगर आपने बंद करना है तो आपको बटन को पीछे को प्रेस करना होगा, तो ये बंद हो गई है। और एक बात और है, अगर आपका ये देखिए ये शेड बंद है, हम सनरूफ को ओपन कर सकते हैं, ओपन करेंगे तो ये देखिए ये सन शेड भी अपने आप से पीछे चला जाएगा। बट अगर हम रूफ को बंद करेंगे तो जो इसका सन शेड है वो बंद नहीं होगा, वो आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलते हैं जी ये रीडिंग लैंप मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सनग्लास होल्डर, और इसके साथ साथ इन स्विच का भी आपको बता दूँ, ये स्विच है जी आपके लैंप्स बंद रहेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको मिड में कर दोगे तो डोर जैसे ही गाड़ी को आप अनलॉक करते हैं तो ये लैंप्स ऑन हो जाएंगे, और यहाँ पे करोगे तो ऑन ही रहेंगे ये लैंप। तो यहाँ पे हम इसको मिड में ही रखते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मिड में रखा हो अपने लैंप को चलाना है, एक पर्टिकुलर सिंगल लैंप को चलाना है, जस्ट आपने ये लैंप को प्रेस करना तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, इसको प्रेस करोगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। तो ये ऐसे कुछ इसमें फीचर्स हैं। इसके साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पे डेल और लाइट IRVM, तो ये करोगे आप ये नाइट का व्यू आ जाएगा, ये आ गया हमारा डे का। और यहाँ पर मिलते हैं जी आपको हज़ार लैंप्स, इसको प्रेस करोगे तो हमारे हज़ार लैंप्स ऑन हो गए हैं। और यहाँ पे भी ये देखिए ये साथ में ये भी ब्लिंक करता है, तो ये देख सकते हो ये इसके ये फीचर आ गया। हम एसी को थोड़ा ऑन कर लेते हैं, और अगर हम करें यहाँ नीचे की बात, यहाँ पे मिल जाता है जी आपको वायरलेस चार्जर की, जो ये उसका आपको साइन मिल जाएगा जब आप फ़ोन चार्ज करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर मिलता है जी आपको सी टाइप चार्जिंग का पोर्ट, यहाँ पर मिलता है 12 वोल्ट का आपको लाइटर चार्जर, 180 वोल्ट तक आप उसमें आउटपुट ले सकते हो, और यहाँ पर मिलता है आपको USB पोर्ट, तो यहाँ पे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और ये चार्जर कैसे इसको आप स्विच ऑफ भी कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, तो वो आप iBattle में जाके चेक कर सकते हो। इसके साथ तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्विन, यहाँ पे बॉटल होल्डर विद ग्लास होल्डर मिलता है, और यहाँ पे जो आपको ये मिलने वाला आपका गियर नॉब, वो आपको लेदर रैप मिलने वाला है विद क्रोम फिनिश। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है, और ये देख सकते हो इसका आर्म रेस्ट आ गया। जो इसके निचले वेरिएंट आते हैं स्पोर्ट्स ऑप्शन, उसमें आपको ये फिक्स टाइप मिलता है, बट एस टाइप वेरिएंट में आपको स्लाइडर मिलता है। ये देख सकते हो आप इसको स्लाइड कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से, बट हाँ साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा ये छोटा है, मतलब अगर हम एक पर्सन सिंगल अगर आप ड्राइवर ड्राइव कर रहे हो तो आप रख सकते हो, लेकिन सेकेंड पर्सन रख सकता, आई थिंक इसको थोड़ा चौड़ा किया जा सकता था। बट आपको स्पीड काफ़ी स्पेशियस मिल जाती हैं अगर इसके आप और वेरिएंट Hyundai की गाड़ियों के साथ कंपेयर करोगे तो, i20 में आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। इसके जो म्यूज़िक सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है Bosch के, वो भी आपको चेक करवाते हैं, तो ये चेक कर सकते हो। ये हमने म्यूट लगा दिया, हटा दिया इसका, तो ये चेक कर सकते हो। ऐसे कुछ इसकी जो म्यूज़िक सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो रहने वाली है। अगर इसके आप म्यूज़िक सुनना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैं रील पोस्ट कर दूंगा, अभी यूट्यूब पे कॉपीराइट की वजह से इसको पोस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर भी कोशिश करते हैं आपको। तो कुछ इस तरह से इसकी म्यूज़िक परफॉर्मेंस रहने वाली है। अगर बात कर लें इसके डैशबोर्ड के डिज़ाइन की, जो डैशबोर्ड है आपको ये म्यूज़िक प्लेयर थोड़ा सा मिलेगा, बट यहाँ पर आपको डैशबोर्ड है थोड़ा सा डाउन मिलेगा, तो बट काफ़ी ये वाइड, आप यहाँ पर इजिली मैट वगैरह भी छा के अपने फ़ोन वगैरह रख सकते हो। तो कुछ इस तरह से इसकी डैशबोर्ड की लुक आती है। तो जो इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो सेम वही है, बट इंटीरियर जो है पहले ब्लैक में आता था, ऑल ब्लैक, बट अब इसने ड्यूल टोन कर दिया गया है,
तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है। और यहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको मिलती है टिकट होल्डर, और ऑन द अदर साइड आपको पैसेंजर साइड आपको मिल जाता है मिरर, बट कोई यहाँ पे लैंप वगैरह नहीं मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से है इसके फीचर्स। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है ये लीवर, इस लीवर को आप नीचे करोगे तो आप स्टेयरिंग को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। इसमें टिल्ट टेलीस्कोपिक आपको दोनों मिल जाते हैं, आप अप डाउन एंड फ्रंट बैक कर सकते हो। उनको बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं, तो क्या होता है ये स्टेयरिंग आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। कई गाड़ियों में सिर्फ फ्रंट बैक करने के लिए आता है, इसमें आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको जैसे एस्टा वेरिएंट में मिलता है जी रियर वाइपर, तो रियर वाइपर में आपको टू एडजस्ट में यहाँ पे मिल जाते हैं, आप लो और हाई पे चला सकते हो बट उसकी स्पीड नहीं कंट्रोल कर सकते। यहाँ पे आपको देखोगे फ्रंट वाइपर, वहाँ पे इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। नीचे को आप इसको करोगे तो आपका जो रियर वाइपर वो चल जाएगा, अगर आपको पुश करोगे तो आपका फ्रंट वाइपर चल जाएगा। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको लाइट्स के कंट्रोल, और जिनके पास है इससे पहले वाली i20 वहाँ पे आपको एक और स्विच मिलता था, अगर किसी के पास है तो उनको पता होगा वो स्विच होता था फॉग लैंप्स के लिए, लेकिन अभी i20 में फॉग लैंप्स को हटा दिया गया, तो ऑब्वियसली वो स्विच है उसको भी हटा दिया गया है। तो अभी ये ऑटो पे है, और यहाँ पे अगर आपने किया तो वो देख सकते हो DRLs हमारे ऑन हो गए हैं, और यहाँ पे करेंगे तो हमारी हेडलैम्प्स ऑन हो गए हैं। और जो बाकी गाड़ियाँ टोयोटा वगैरह की आती हैं उसमें आपको हाई बीम लगाने के लिए ऊपर को प्रेस करना पड़ता है, बट हुंडई में आपको नीचे को प्रेस करना पड़ता है। तो देख सकते हो हमारा हाई बीम विद DRLs ऑन हो चुके हैं, वो सामने आप रिफ्लेक्शन चेक कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपने वेलकम फीचर का इस्तेमाल करना है तो आपको ये ऑटो पे ही रखने पड़ेंगे, लाइक जब आप गाड़ी के पास अप्रोच करें जो आपके हेडलैम्प्स हैं अनलॉक करने पे ऑटोमेटिकली जल जाएं, तो आपको ये रखना पड़ेगा ऑटो पे। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो वो फीचर वर्क नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके वेलकम फीचर कैसे वर्क करता है, तो आपको जो मिरर्स है अपने ऑन ही रखने पड़ेंगे। अगर आपने इसको मैन्युअली बंद कर दिया मिरर्स को तो ये इसका वेलकम फीचर है और पडल लैंप्स ऑन होने वाला फीचर है वो वर्क नहीं करेगा, तो आपको मिरर्स को ऑन रखना पड़ेगा। बाकी आप इसको बंद करना चाहो तो यहाँ से जाके उसको बंद भी कर सकते हो। ये दिखा देता हूँ आपको, सेटिंग में जाओगे आप तो सेटिंग में जाके आप यहाँ पे जाओगे कन्वीनियंस में, और यहाँ पे वेलकम मिरर है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑन अनलॉक डोर और ड्राइवर अप्रोच, यहाँ से टिक हटा दोगे तो वो बंद भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपने ऑन करना है तो ऑन भी कर सकते हो। इसके अलावा जो वायरलेस चार्जिंग का पैड है उसको आपने बंद करना है तो यहाँ से टिक हटा के उसको बंद कर सकते हो। ये सारी आपको लाइट्स की इंफॉर्मेशन आ गई, IC रोड का वार्निंग है वो सारी इसमें आ गई है, जिसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो दोबारा से सारी आपको फंक्शंस बताऊँगा, आप वो जाके वीडियो चेक कर सकते हो। तो अभी मैंने अपने अकॉर्डिंगली हाइट एडजस्ट की हुई है, तो अभी पीछे जाके बैठ के दिखाता हूँ आपको कितनी आपको स्पेस मिलता है, हेडरूम कितना मिलता है, तो इसका भी बता दूँ। अभी फ्रंट में आप देखोगे तो कुछ इस तरह से इतना आपको हेडरूम मिलने वाला है। और एक और बात बता दूँ, जो आप लोगे स्पोर्ट्स वेरिएंट उसमें आपको रूफ मिलेगी स्ट्रेट, बट इसमें सनरूफ है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम्प मिलेगा, क्योंकि सनरूफ को फोल्ड होना होता है, जो इसका मिरर ग्लास है वो अंदर जाना होता है बॉडी के, तो इस वजह से ये थोड़ा सा नीचे है। तो दोस्तों रियर सीट में बैठने पे कुछ इस तरह से आपको रियर से ये गाड़ी दिखती है, ये हमने साइड वाली को पैसेंजर सीट कुछ ज़्यादा हमारी पीछे है। तो ड्राइवर सीट हमने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है, तो आपको देख सकते हो तकरीबन इतना हेड ये मिल जाता है लेग रूम। और अगर बात करें हम हेडरूम की तो देख सकते हो तकरीबन इतना हेडरूम मिलता है। और जैसे कि मैं बात कर रहा था इसमें सनरूफ होता तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लाइटली हम यहाँ से डाउन है, तो इस डाउन का कोई एज इट इज़ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी सीटिंग पोजीशन पे अगर आप बैठोगे भी तो यहाँ पे देखोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे ये हेडरूम मिलने वाला है, तो एज सच ये कोई आपको लगता नहीं। हाँ, किसी की हाइट ज़्यादा होगी तो मे बी उसको शायद लग सकता था, बट हम अब हमारी सीटिंग पोजीशन मोस्टली पीछे की तरफ होती है, तो इसका कोई आपको सनरूफ वाले हम्प का कोई आपको ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं नज़र आने वाला। इसके अलावा आपको जो रियर सीट्स हैं वो मिल जाती है बेंच फोल्ड। एस्टा वेरिएंट में जो इसके हेडरेस्ट हैं वो फिक्स टाइप आते हैं, इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, ये इनका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, पता नहीं आई थिंक क्यों नहीं दिया, पहले इनके वेरिएंट्स में आते थे। रियर डोर्स की अगर बात करें तो ऐसे आपको ये मिल जाते हैं, इसके ये डोर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाती है बॉश की ब्रांडिंग। तो ड्यूल टोन में कार की थोड़ी लुक तो इन्हांस हुई हुई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बॉटल होल्डर आपको सभी डोर्स में मिल जाते हैं, और यहाँ पे कोई आपको एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर नहीं है, यहाँ से आप विंडो को डाउन कर सकते हैं, हमने आगे से लॉक किया हुआ है तो ये चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो बेल्ट्स हैं सीट बेल्ट्स हैं वो एडजस्टेबल नहीं मिलती, फिक्स टाइप बेल्ट्स मिलती हैं। यहाँ पे भी मिल जाती है आपको एयरबैग की प्लेसिंग, और इसके अलावा आपको सीट्स में भी मिलते हैं एयरबैग्स, और फ्रंट में मिल जाते हैं, टोटल 6 एयरबैग्स आते हैं इसमें।
और यहाँ पे देख सकते हो बैक की कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है, और गाड़ी की फ्रंट लुक कुछ पीछे बैठ के आपको इस प्रकार से दिखने वाली है। तो काफ़ी स्पेशियस कार, और बैक की अगर बात करें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं जी ये एसी वेंट्स। अगर आप चाहो कोई पीछे नहीं ड्राइव कर सकता, इसको क्लोज भी कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो ये देख सकते हो, यहाँ से आप इसको क्लोज और ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मिल जाता है यूएसबी चार्जिंग कोर्ड, और यहाँ पे आप फ़ोन को रख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से मिलती है ये जी आपको i20 ऐसा। अभी इसकी डिग्गी दिखाते हैं आपको, बूट में कितना स्पेस मिलता है और कैसा इसका बूट है। तो ये है जी i20 एस्टा का बूट, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। ये देख सकते हैं जी, ये है रिक्वेस्ट सेंसर। तो अगर आपकी जेब में, अगर आपकी पॉकेट में है इसकी स्मार्ट की, तो आप जस्ट बटन को प्रेस करके भी इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। ये है बूट स्पेस, और ये जो बूट है मैट 3D मैट मैंने एडिशनल एक्सेसरी में लिया था, तो ये ऐसे कुछ इसमें मिलने वाला है। और ये डस्टर भी मैंने इसका कार का स्पेशल जो पासू का डस्टर मंगवाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और काफ़ी अच्छी कार क्लीन करता है। और जो ये है माइक्रोफाइबर टॉवल, ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे मिलता है जी आपको बोस का म्यूज़िक सिस्टम, और यहाँ पे मिल जाता है आपको बूट लैंप। और डिग्गी अगर हम उठा के आपको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे मिलता है जी आपको ये टायर, और टायर आपको ये दिखा देता हूँ कौन सा टायर है। टायर आपको मिलता है जी ब्रिजस्टोन का, और उसकी अगर साइज़ की हम बात करें तो साइज़ आपको मिलने वाला है 185/65R15, ट्यूबलेस टायर रहने वाला है कुछ इस तरह से। और ये साथ में मिलती है इसकी किट, जिसमें आपको मिल जाता है इसका जैक एंड टोवे हुक, और आपको मिल जाते हैं ये रिफ्लेक्टर्स जो कि ऊपर पड़े हुए हैं, ये इसके रिफ्लेक्टर्स हैं। अगर इनके केस आपकी गाड़ी कहीं ब्रेकडाउन होती है, पंचर होती है, तो रिफ्लेक्टर का आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो इसके बूट हैं, चारों तरफ से आपको प्लास्टिक जो इसने कवर किया गया है, यहाँ से कुछ इस तरह से रहने वाली है। और ये इसकी डिग्गी आ गई, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है जी, आप अगर इस केस इमरजेंसी इसकी बूट को ओपन करना चाहते हो तो की प्रेस करके इसकी बूट को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा इसका जो ग्लोव बॉक्स आपको मिलने वाला है, वो देख सकते हो, वो भी आपको क्लूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलने वाला है। यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है इसके वेंट की, आप इसको एडजस्ट करके इसको बंद कर सकते हो या इसके फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसमें मोस्टली ये होता है जो एसी की पाइप्स होती हैं, वो एक पाइप कूल ग्लोव्स में निकाल देती है, तो ये हल्का हल्का जो है आपका बॉक्स ठंडा रहता है। ये नहीं कह सकता कि ऐसे एज ए चिल्ड वाटर कर देगा जैसे फ्रिज का वाटर होता है, बट हाँ जो आपकी बॉटल का टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है। तो एज ए बहुत ज़्यादा गर्म में वाटर होता है हाँ, बट आपकी बॉटल का एक टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है। तो बॉटल रख के दिखाते हैं, तो 1 लीटर की बॉटल आप इसमें ईजिली रख सकते हो, तो ये देख सकते हो। तो जो उसका बॉक्स है काफ़ी ठीक है, स्पेशियस है। इसके एसी वेंट जितने भी हैं सब में, सबकी आप पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं बैठा, तो इसको बंद कर सकते हो, तो इसका जो एयर फ्लो है वो डाइवर्ट होके बाकी वेंट्स में चला जाएगा। और लाइक अगर आप पीछे कोई नहीं बैठा उसके वेंट्स क्लोज कर सकते हो, तो ऐसे सारी इसकी पोजिशनिंग दी गई है। सो दोस्तों, ये थी वीडियो i20 एस्टा के ऊपर, जो इसके मोस्टली फीचर्स थे वो मैंने सारे कवर अप कर दिए। इसके अलावा अगर आप और कोई इसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। बाकी और आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो i20 के ऊपर, उसके भी कमेंट डाउन करें। सो कोशिश करेंगे वो सारे टॉपिक भी जल्दी कवर करें। और अगर आपके पास है कोई गाड़ी और उसका आप रिव्यू शेयर करना चाहते हो हमारी ऑडियंस के साथ, तो आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या जाके नीचे दिए गए मेल पे मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हो। सो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।